हाय फ्रेंड्स, तो चलिए एक नई खुशखबरी आ रही है कि अभी ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ देख लीजिए ESIC UDC का फेज टू का रिजल्ट आ चुका है। मोस्ट एवेटेड रिजल्ट था ये। बहुत से लोग बार बार कमेंट भी करते थे कि सर कब आएगी कब आएगी, और बहुत से स्टूडेंट्स तो पूरी फुल्ली तरह से प्रिपेयर भी हो चुके हैं फेज थ्री कंप्यूटर स्किल्स टेस्ट के लिए। तो मैं बता दूं कि देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल आज के ही डेट में, आज देख लीजिए कि ये 16 जून है, और अभी आज ही के डेट में जस्ट आई थिंक हाफ एन आवर बिफोर हुई होगी रिजल्ट्स आए हुए। तो चलिए इस सारे रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि क्या कैसे रहा। तो मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि टोटल जो रिजल्ट है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक है, वन मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूँ। देख लीजिए, देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जो एग्जाम हुआ था फेज टू का, ये डेट ऑफ एग्जाम जो है ये 30 अप्रैल था 2022 को, और लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर फेज थ्री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि फेज थ्री में 5 टाइम्स को अपियर किया जा रहा है। तो और देख लीजिए कि काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं, 46 पेज हैं। तो अभी मैं तो काउंट नहीं किया हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी रिजल्ट है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें अपियर होने वाले हैं, ठीक है। तो और बात करें कट ऑफ की, तो देख लीजिए कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार जो है कट ऑफ ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो पिछले साल इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं था। और बात करें जहाँ गुजरात का देखें, क्योंकि गुजरात का जनरली कम रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि पिछले साल के कंपेरिजन में, तो मैं इस बार एक और फर्दर वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें कट ऑफ का कंपेरिजन करूँगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अपने अपने स्टेट्स का कट ऑफ देख लीजिएगा। मैं इसको रीड नहीं करने जा रहा हूँ टोटल्स को, ठीक है। और ये एक और PDF आया है, ठीक है। इस PDF में जो भी स्टूडेंट्स फेज टू के लिए अपियर हुए थे, देख लीजिए 316 पेज का PDF है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो देख लीजिए 18,000 स्टूडेंट्स थे अपियर, ठीक है। तो ये 18,000 का मार्क्स जो है सो रिलीज हो चुका है। तो आई थिंक पेपर का लेवल डाउन रहा होगा, तो आप लोग जरूर इसको देखिए। और एक और चीज, जो लोग अभी तक कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं फेज थ्री के लिए, तो आप लोगों को पता है कि मैंने कोर्स को लॉन्च किया हुआ था, तो उसका सारा क्वेश्चन आंसर सब मैंने प्रिपेयर किया था। तो एक बैच तो मैं पढ़ा भी लिया। तो आप लोग, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा फेज थ्री का, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो फेज थ्री के कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। और जो फी था वो फी वही रहेगा, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। और लिंक में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं, इस बैच में भी मैं मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को ही इनरोल करूँगा। 30 स्टूडेंट्स होते ही आपका लिंक द एंड कर जाएगा। तो चलिए, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है उसके लिए अभी मैं मैसेज दे रहा हूँ कि वो लोग बिल्कुल मन को छोटा मत करिए। यदि आपने फेज टू लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आप जो है टॉप 10 स्टूडेंट्स में, ऊपर से जो 10% स्टूडेंट्स जो रियल कॉम्पिटिशन लगते हैं, उस कैटेगरी में आप आ चुके हो, ठीक है। तो इसलिए आप होप मत करिए। और अभी जो भी फॉर्म आई हुई है RRBPO और IBPS PO की आएगी, SBI का असिस्टेंट आएगा, तो उस सारे पे आप लोग कंसंट्रेट करिए, ठीक है। और कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है, तो कंसिस्टेंट बन के रहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि मतलब 2 दिन 3 दिन सदमे में गुजार दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग फिर से मेहनत पे लग जाइए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और एक मैं अभी फर्दर वीडियो लेकर के आता हूँ जिसमें मैं कंपेरिजन करूंगा दोनों ईयर्स के कट ऑफ को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, जाते जाते टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर